स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल गुरु जी के ऊपर। सो आज मैं आपके लिए जो है 125 गज का घर लेके आया हूं, जैसा आप मेरे बैक साइड पे देख ही रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन इसका घर का रहेगा जी, आज का मॉडर्न एलिवेशन रहने वाला है जी विला का। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियोस में आपको बेहतरीन से बेहतरीन घर मिलते रहे। सो आज की अगर मैं बात करूं लोकेशन की, सबसे पहले तो लोकेशन आपकी रहेगी सेक्टर 123 ग्रेटर मोहाली का एरिया रहेगा, जो आपकी 200 फीट की रोड है जी, PR7 रोड कहते हैं। उससे महज आपका जो है 200 से 300 मीटर की दूरी पे रहने वाला है जी, और 100 फीट वाइड रोड से आपकी इसकी कनेक्टिविटी रहेगी जी। फुली डेवलप्ड आपका एरिया है जी, यहाँ पे कोठीज बन रही हैं सारी 125 गज की सेम, और आपको इंटरनल रोड 35 फीट टू 40 फीट की जो है इंटरनल रोड मिल जाएंगी। सो मैं शुरू करता हूँ, ये घर जो है आपका आज का 3 BHK घर रहने वाला है जी। सो देखिए इसको, सबसे पहले तो मैं आउटर एलिवेशन की बात करूँ, आउटर एलिवेशन इसका बहुत ही खूबसूरत किया गया, जैसे आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर देख सकते हैं बीम डाला हुआ है आपका रहेगा, तो वो आपको अच्छी लुक दे रहा है आपकी। टफ एंड ग्लास यूज़ किया गया है, टाइल वर्क आपका किया गया है, यहाँ पे HLP शीट यहाँ पे यूज़ की गई है, और टाइल्स का वर्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रखा गया है जी आपका। सो मेन आयरन का गेट मिलेगा आपको, वुडन की यहाँ पे क्लैडिंग रहेगी जी। सो जब मैं गेट को ओपन करता हूँ तो आपके पास एक वाइड पार्किंग स्पेस आती है यहाँ पे, ठीक है जी, आप देख सकते हैं इजिली अपनी गाड़ी को यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको मैं 2-व्हीलर की स्पेस दिखाता हूँ, 2-व्हीलर के लिए भी आपके पास जो है इनफ स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। और आप देख सकते हैं एल शेप में आपके बड़े साइज़ की आपको घर में यहाँ पे विंडो रहने वाली है, पूरा यहाँ पे वुडन के टाइल का काम किया गया है जी। और यहाँ पे आपको जो है डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, यहाँ पे आप आर्टिफिशियल पॉट्स को कैरी कर सकते हैं, छोटी छोटी LED लाइट्स लगाई गई हैं, अगर रात के टाइम पे भी इसका जो है व्यू आपको काफ़ी अच्छा आएगा। सो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिल जाएगी, आप अपना जो है इन्वर्टर या स्टोरेज कुछ भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको जो है हैंगिंग लाइट्स मिल जाएंगी, फ़ैन की प्रोविज़न दी हुई है आपकी, आप यहाँ पे जो है लाइट्स को हैंग कर सकते हैं फैंसी लाइट्स को। इसके बाद हमारा आता है जी मेन डोर, मेन डोर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी आपको अच्छे साइज़ का मिल जाएगा, और वायर मेश का काम किया गया है, हैंडल भी आपको बहुत ही अच्छे डिज़ाइन का मिल जाएगा। इसके बाद हमारा जो आता है वो था हमारा वायर मेश डोर, अभी हमारा आता है मेन डोर। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है, इस डोर को ब्लॉक्स किए गए हैं, अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है जी। सो अब हम एंटर कर चुके हैं अपने घर के अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका जो घर इंटीरियर से कैसा रहेगा। अब मैं आपके ड्राइंग रूम में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पे डिज़ाइनर वॉल मिलेगी, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी प्रॉपर स्प्लिट AC की डक्टिंग रहने वाली है जी। अगर मैं बात करूँ टाइलिंग की तो आपके डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स यूज़ की गई हैं 2x4 के, और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूं तो 10x20 का इसका जो है साइज़ रहने वाला है जी, 20.5 फुट ऐसे इसकी लेंथ रहेगी जी आपकी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं चौड़ाई की तो आपकी 10 फीट की रहेगी। आप ये मैं जैसे बाहर से विंडो आपको दिखा रहा था तो ये प्रॉपर आपकी जो है बड़े साइज़ की विंडो रहेगी, जिससे आपके प्रॉपर घर पे रोशनी रहने वाली है, और इस विंडो से आपके घर पे जो है एयर की क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। सो जो इस घर की मेरे को सबसे यूनिक बात लगी है इसकी फॉल सीलिंग बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलने वाला है जी, वुडन का काम किया गया है, कंसील लाइट्स आपकी जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाई गई हैं, हर एक चीज़ में आपको अलग अलग प्रोविजन दी गई हैं, जैसा आप देख रहे हैं ऐसे इस घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो ये था हमारा जो है ड्राइंग का सेक्शन, आप इजीली बड़े साइज़ का सोफा सेट को प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो है डाइनिंग सेक्शन आ जाएगा, डाइनिंग सेक्शन के साथ हम आपको जो है एक बड़ा LED पैनल दे रहे हैं, यहाँ पे भी आपको जो है कैबिनेट्स के अंदर स्पेस मिल जाएगी, आप अपनी जो है क्रॉकरी को कैरी कर सकते हैं, नीचे भी आपको स्पेस मिल जाएगी, और बड़े साइज़ की आपकी यहाँ पे LED लगेगी, और यहाँ पे भी जो है आप अपने पॉट्स को कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी डाइनिंग सेक्शन में हम आपको अलग से फॉल सीलिंग दे रहे हैं, विद वुडन का काम किया गया है, ऐसे आप शैंडलर को लगा के अपीयरेंस को और भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ अपने किचन की तरफ, किचन आपको जो है मॉड्यूलर दे रहे हैं, एल शेप में दे रहे हैं, और किचन का जो काम है काफ़ी बेहतरीन किया गया है जी। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सारे आपके सॉफ्ट क्लोजर रहने वाले हैं, बहुत ही बढ़िया स्पेस के साथ आपके जो है यहाँ पे कैबिनेट्स रहेंगे, कलर काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है जी। सो ये देखिए आपका पेंट्री का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप इजीली अपने जो है सामान को कैरी कर सकते हैं, ऊपर भी आपका प्रॉपर जो है हाइड्रोलिक रहेगा जी, सारा मॉड्यूलर किचन रहेगा, नीचे हमने आपको जो है छोटी छोटी LED लाइट्स दी है जिससे प्रॉपर आपकी रोशनी रहेगी। सो ये आपका जो है
ग्रेनाइट यूज किया गया है ब्लैक कलर का। ड्यूल आपको हम यहाँ पे सिंक दे रहे हैं, जैगवार की आपकी प्रॉपर फिटिंग्स रहेगी। सबसे बड़ी बात किचन की है कि आपकी प्रॉपर यहाँ पे हम आपको एक बड़े साइज की विंडो दे रहे हैं, यहीं पे आपका एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन आ जाएगी और यहाँ पे वायर मैच भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे भी आपको जो है फॉल सीलिंग मिल जाएगी, आपको चिमनी का वेंट हमने वहाँ पे दे दिया जी। इधर आप जो है एक बड़े साइज का अलमीरा साइज फ्रिज रख सकते हैं। सो इजिली जो है आप यहाँ पे 3 से 4 पर्सन खड़े होके किचन में काम कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में। सो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम आ चुका है जी, बहुत ही खूबसूरत आपका बेडरूम। अगर इसके साइज की बात करूँ 11x14 का आपका जो है इसका साइज रहेगा जी। और सो इसके जो कैबिनेट्स है वो भी आपके स्लाइडिंग मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया डिजाइन के साथ जो है आपके कैबिनेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अच्छी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी जी, कैबिनेट्स में आपको इंटरनल कैबिनेट्स मिल जाएंगे और फुल लेंथ तक के आपके जो है यहाँ पे वार्डरोब्स रहेंगे। फॉल सीलिंग की तरफ लेके चलता हूँ, अलग डिजाइन की आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिलेगी वुडन वर्क के साथ, कंसील लाइट्स फॉर्म लाइट्स आपकी लगाई गई हैं। सो ये अगेन आपकी डिजाइनर वॉल आ जाएगी, ऐसे आप जो है फैंसी लाइट्स को लगा के अपने बेडरूम को आप बढ़िया कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है हम आपके एंजॉयमेंट के लिए बेडरूम में आपको एक एलईडी पैनल दे रहे हैं, जहाँ पे आप अपने होम थिएटर यहाँ पे रख सकते हैं। आपको अच्छी स्पेस यहाँ पे मिल रही है जी, कैबिनेट्स नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपर आपके रूम में जो है रोशनी आ रही है। अगर मैं हमने आपको जो है पूरे बड़े साइज की विंडो दी है और एयर के जो फ्लो है वो भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारा वॉशरूम, सो वॉशरूम भी आपको स्पेशियस मिल जाएगा, 6x6 का आपका वॉशरूम रहेगा, प्रॉपर आपकी जैगवार की फिटिंग्स रहेंगी। यहाँ पे भी आपको हमने स्पेस दिया, आप अपने चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी आपको जो है सीलिंग मिल जाएगी आपके वॉशरूम में, प्रॉपर सेम एज इट इज़ आपको जो है वैनिटी मिलेगी यहाँ पे, वॉल माउंटेड सभी आपके फिटिंग्स रहेंगे और ये आपको विंडो दे रहे हैं और ऊपर जो है आपको एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन दे रहे हैं। सो घर के आप देख सकते हैं कि वॉशरूम का गेट भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 फीट की हाइट का रहेगा। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सेकंड बेडरूम में, वो भी काफ़ी आपका जो है अट्रैक्टिव बेडरूम रहेगा जी। सो अब मैं आपको सेकंड बेडरूम में एंटर कर चुका हूँ। सेकंड बेडरूम में एंटर करते सार ही आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो जो है आपका सेम साइज़ का 11x14 का बेडरूम आएगा और आपके जो वार्डरोब्स बहुत ही अट्रैक्टिव है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके जो है यहाँ पे वार्डरोब्स तैयार किए गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके वार्डरोब्स रहेंगे, अच्छी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी जी। सो यहाँ पे हम आपको वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं, स्प्लिट एसी की डक्टिंग रहेगी, ऐसे आप फैंसी लाइट्स लगा के और भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं। फॉल सीलिंग देखिए कितनी शानदार आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल रही है, कंसील लाइट्स कॉम लाइट्स के साथ अपीयरेंस बहुत ही बढ़िया आ रही है। सो यहाँ पे आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, बड़े साइज का मिरर आपका, सो ईजिली जो है आप यहाँ पे अपने कॉस्मेटिक्स को कैरी कर सकते हैं और अपने ड्रेसिंग टेबल से आप अपने आप को बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। सो यहाँ पे इंजॉयमेंट के लिए अगेन आपको जो है एक बड़े साइज़ का एलईडी पैनल, अगेन आप अपना होम थिएटर को यहाँ पे रख सकते हैं और बना सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छी स्पेस मिल जाएगी नीचे कैबिनेट्स में, अच्छी बड़े साइज़ का हम आपको एलईडी पैनल दे रहे हैं। इसके साथ ही जो है यहाँ अगेन आपका 6x6 का वॉशरूम। सो यहाँ पे डिफरेंट ये रहेगा कि टाइलिंग का कंसेप्ट आपका डिफरेंट किया गया है, फुल लेंथ तक की आपकी टाइल्स रहेंगी और सीलिंग में भी आपको जो है चेंज देखने को मिलेगा, जैगवार की आपकी प्रॉपर फिटिंग्स रहेंगी, सेम आपकी वैनिटी यहाँ पे रहेगी जी, यहाँ पे आपकी प्रॉपर विंडो रहेगी, एग्जॉस्ट की हमने यहाँ पे आपको प्रोविजन दी हुई है। सो इसके साथ ही जो है हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है पीछे का। सो ये हमारा वॉशिंग एरिया, प्रॉपर आपका जो है यहाँ पे वेंटिलेशन आपको रहेगी, मैं ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ कि आपका एयर फ्लो जो है आपके घर में बरकरार रहेगा जी। सो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन। सो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे हमारा जो है 1 बेडरूम रहेगा विद अटैच वॉशरूम और आपका पेंट्री के सेक्शन रहेगा। स्टेयर्स में ब्लैक कलर का आपको ग्रेनाइट यूज किया गया है जी, एक्सटर्नल स्टेयर्स हैं, रेंटल पर्पस भी है के लिए भी बहुत बढ़िया, क्योंकि बिल्कुल हाईवे की आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है जी, ज्वाइंट फैमिली है तो भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सो अब हम पहुंच चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, आप जो है आउटर व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर आपका स्टेनलेस स्टील लगाई गई है, टफ एंड ग्लास यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे बैठ के आप जो है अपने धूप का आनंद ले सकते हैं। सो यहाँ पे भी प्रॉपर आपका जो है कंसील लाइट्स रहेंगी, अगेन आपकी एल शेप में आपकी विंडो रहेगी, जहाँ से आपके प्रॉपर रूम में रोशनी रहेगी। सो ये आप देखिए कि प्रॉपर आपका जो है टाइलिंग की गई है, आपकी लाइफ टाइम के लिए पेंट की जो है टेंशन ख़त्म कर दी है। अगेन आपका 8 फीट की हाइट का डोर रहेगा, उसके बाद आपका जो है मेन डोर रहेगा यहाँ पे,
सो अगर इसको मैं बंद करता हूँ तो ये आपको हमने यहाँ पे जो है पेंट्री का सेक्शन दे रही है, ये आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे रेंटल पर्पस के लिए बेसिकली दिया है। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो भी बढ़िया है। सो यहाँ पे जैगवार की आपकी प्रॉपर फिटिंग रहेगी, इधर को आप अपना किचन बना सकते हैं। सो अच्छी आपकी जो है यहाँ पे स्पेस रहेगी, अगेन आपकी बड़े साइज़ की यहाँ पे विंडो रहेगी, और यहाँ पे भी आपको जो है हम फॉल सीलिंग दे रहे हैं आपके किचन में, अच्छी फॉल सीलिंग है, वुडन का काम किया गया है जी। सो इधर भी आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप यहाँ पे और भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है हमारा बेडरूम रहेगा जो कि 10x13 का रहेगा आपका। सो ये बेडरूम आ चुका है जी आपका। फॉल सीलिंग दिखाता हूँ आपको, इस घर की यूनिक बात ही इस घर की फॉल सीलिंग है जी, जो हर एक सेक्शन में आपको अलग कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। प्रॉपर आपकी स्प्लिट एसी की डक्टिंग रहेगी जी। ये आपकी विंडो आ गई है, आप जो है बाहर का व्यू अच्छे से अपने बेडरूम से ले सकते हैं। अगेन आपका जो है हम बहुत ही बड़े साइज के आपको LED पैनल यहाँ पे दे रहे हैं, और इसमें जो है कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया यूज़ किया गया है पूरे घर में आपका। वुडन वर्क में आप देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ पे भी आपके जो है स्लाइडिंग डोर्स रहेंगे, सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके यहाँ पे डोर्स रहेंगे। सो यहीं से जो है हमारा ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा, यहाँ पे हमने अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज किया आपका, प्रॉपर यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया रहेगा। इसके साथ ही जो है हमारा अटैच वॉशरूम 6x6 का, यहाँ पे भी आपके टाइलिंग का कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट यूज़ किया गया है, आपकी फुल लेंथ तक की टाइल्स रहेंगी, यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग दे रहे हैं हम। सो प्रॉपर आपकी जैगवार के फिटिंग्स रहेंगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टेरेस एरिया की तरफ जो पीछे का हमारा रहेगा। सो ये हमारा यहाँ से एंट्री रहेगी उसके लिए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं जी अपने टेरेस एरिया की तरफ ऊपर। तो यहाँ पे आप इजीली जो है जैसे नीचे रूम सेट थे आप उसको कवर कर सकते हैं, अपने 2 बेडरूम सेट बना सकते हैं। सो ये हमने आपकी प्रोविजन दे दिया ऊपर के एरिया की तरफ, ऊपर भी जाके आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी। सो ऊपर का व्यू आपका रहेगा टेरेस का। पहुँच चुका हूँ अपने ऊपर रूफ की तरफ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है अपनी फर्दर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं घर की। तो ऑलरेडी बसा हुआ इलाका है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो आपका 200 फुट की एयरपोर्ट रोड रहेगी जी, PR7 रोड, जहाँ पे आप देख रहे हैं वर्किंग है वो प्रेजेंटली। सो यहीं से आपकी एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो बहुत ही अच्छी लोकेशन के ऊपर आपका ये घर रहेगा जी, 125 गज का आपका ये घर रहने वाला है जी, और 3 BHK आपकी अकोमोडेशन रहेगी। सो फ्रेंड्स ये घर आपको कैसा लगा आप मेरे को अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर कॉल करिए और इस घर को अपना बनाइए, और आपको जो है ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। सो हरदीप सिंह आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहेगा, मिलता है आपको अगली वीडियो।